तो भाई स्वागत है फिर से आपका साउंड बोल चैनल में और आप देख रहे हैं आपका अपना एचपी। तो भाई जैसे कि आज की मैं टाइटल नहीं बताऊंगा क्योंकि यार टाइटल बता रहा हूँ थोड़ा मैं नर्वस फील हो जाता है, नर्वस हो जाता हूँ, तो बस यही है। और आज की वीडियो में हम जाने वाले पहले अपने बुआ के गांव में जो कि एमपी में पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे आज थोड़ा घूमने के लिए थोड़ा अपन जा रहे हैं क्योंकि बुआ को मुझे छोड़ के आना है। तो मैं सोचा था कि डेली मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे दो दिन ऐसे चल जाएंगे, तो इससे बढ़िया मैं अपनी व्लॉगिंग कर लूँगा। इसके बहाने आप भी वीडियो देख लोगे और आपको भी मज़ा आएगा। तो बस यही है और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि दिन में जो व्लॉगिंग में आने वाला है जो मज़ा, तो यार वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और बाकी चलते बिना कोई देरी करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, और अगर इंस्टा आईडी फॉलो नहीं करी है तो यार उसको भी फॉलो करो, और लाइक शेयर जरूर करा करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक दिया करो क्योंकि लाइक बहुत कम करते हो। तो बिना कोई देरी क्योंकि अभी तो मैंने अपना बैग पैक कर लिया है, तो बस अब निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। और बस में निकलेंगे। बाकी आपको एक चीज़ बता दूँ क्योंकि मैं बस में बहुत कम ही जाता हूँ क्योंकि सीट वेट का रट्टा होता तो मैं बैठ नहीं पाता क्योंकि मेरी पूरी 6 फुट की हाइट है, इस वजह से मैं बैठने में थोड़ी वो दिक्कत हो जाती है मुझे। इस चक्कर में मैं ट्रेन से ही ट्रैवल करता हूँ, लेकिन कोई नहीं, काफ़ी टाइम बाद मतलब 2-2.5 साल बाद मैं अपनी मतलब बस से ही जाऊँगा, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं। और बस बने रहे मेरे साथ और शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना, चलते हैं लेट्स गो। आ चुका हूँ जेवर और बाकी यहाँ पे टोल पर रुक चुका हूँ जो कि यमुना एक्सप्रेस हाईवे है, और बाकी चलते हैं एक बार वॉशरूम वगैरह वो सब कर लेते हैं, फिर उसके बाद खाने पीने का भी कर लेंगे क्योंकि मैं घर से आया तो यार खाना पीना कुछ खा के दिया और बाकी मम्मी ने खिलाया नहीं, और बाकी मजाक कर रहा हूँ, बाकी ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। और बाकी वॉशरूम में फ्रेश हो गए फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, तो यार अभी हो चुकी है सुबह, बाकी मैं तो थोड़ा बहुत सो लिया था, और बाकी देख रहे हो सुबह का टाइम है, और बाकी टाइम एक बार दिखा देता हूँ। सुबह में अभी ज़्यादा नहीं, 5:40 का टाइम हो रहा है, जब तक कि मजा करो सिनेमैटिक शॉट का। चुके हैं मैं और बुआ, तो अब यहाँ से सीधे पकड़ते दूसरी बस, ये तीसरी बस है जो हम बदलने वाले हैं। यार खूब रेल लग चुकी है, बाकी चलते हैं। वो बेसिकली एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे यार, कि अपने यहाँ पे दिल्ली में रिक्शा को ई रिक्शा बोलते हैं, और बाकी यहाँ पे जो रिक्शा होता है उसको बोलते हैं टमटम, और चलता अपनी बस बस पकड़ते। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं तीसरी बस में, तो यार रूट एक ही है लेकिन वही है कि 3 बस बदलनी पड़ती है क्योंकि और भी रूट जा रहे थे, एक रूट है जो कि अलग है उसी के लिए, और ये रूट सीधा है उसके बावजूद भी 3 बस बदलनी पड़ती है, तो यार बहुत स्ट्रगल हो जाता है। गाइस अब अभी फिर हम बैठ चुके हैं अपने टमटम में क्योंकि इसका नाम ही टमटम है, और बाकी दिल्ली में तो आपको पता ही है ई रिक्शा से जानी जाती है, और बाकी अपनी बुआ ये रही इनको लास्ट विदा कर रहे हैं अपन है बुआ है? बुआ रास्ता देखने में लगी है, कहीं इधर उधर अटका दिए तो और दिक्कत हो जाएगी। तो अभी गाइस अभी पहुंचते हैं घर पे, फिर आपसे दोबारा मिलते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं।
गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं बुआ के घर और बाकी देखो बुआ ये लगी है बड़ी धीरे आवाज आई पूरी के साथ है पैसे बुआ के सारे पैसे निपट गए यहाँ पे यहाँ गिन गिन के कितने बुआ के पैसे कितने निकले 5000 कोरो अटको मेरे को यहाँ देख रहे हो बच्चे कितने बैठे ये रे ये बोई आ का है ये कहा खत्म है की खत्म हो गई समरी खाना में बता बता साजना ले 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 साजना की फली फली दिखाते हैं एक बार साजना की फली कौन सी है कौन सी ये अरे यार ये तो कहीं जारी पहचाने से लग रही है साथ कौन सा पेड़ कौन सा है ये अभी एक बार है ना इसको एक तोड़ के देख दो ऐसी ये चीज है देख रहे हो इसको तोड़ के खाते नहीं बनती है है बनती है इसकी सब्जी बन रही आती है ना हाँ चल चेक करते हैं रख दे यहीं तो बनाएंगे तब चेक करेंगे दिल्ली में ले जाएंगे जब तो कैसी होती है साजना की फली गाइस आप देख रहे होंगे तो कौन सी जगह पे हम आ गए हैं बाकी आप देख रहे हो तो ये जो जगह है तो मैं आपको एक बार इनके पत्थर दिखाता हूँ तो ये पत्थर देख रहे हो ये टोटल पत्थर में है ये देख रहे हो पूरा पत्थर में ही बना है मतलब सब जगह ये देख लो थोड़ा हॉन्टेड की तरह थोड़ा लग रहा है जैसे भूतिया सा होता ना ऐसा लग रहा है और बाकी थोड़ा मौसम खुला है इस वजह से थोड़ा बढ़िया क्लैरिटी आ रही है और बाकी देख रहे हो और यहाँ पे अपने दोनों भाई है जो कि अपने साथ में ही है और टोटल जितनी जगह है ना सब जगह मतलब पत्थर ही पत्थर है और बाकी देख रहे हो ये तो पत्थर भी चुभ गया शायद पैर में और बाकी एक बार देखो रोड दिखाता हूँ एक बार आपको देख रहे हो और बाकी ये देखो यार ये देख रहे हो ये गुफा सी मतलब कोई साला सांप फाप तो नहीं आ जाएगा ये देख रहे हो ऐसा लग रहा है यहाँ पे मतलब यूएफओ के लिए ये गोल चक्कर सा बना हो जैसे जादू फिल्म में था ना ऐसे ही और बाकी आपको मैं ना पहाड़ भी दिखाता हूँ उस तरफ और ये पूरा पहाड़ों में ही आता है ये देखो उस तरफ भी है ना काम चल रहा मतलब पहाड़ों वाड़ों का और बाकी ये देखो यार फुल मतलब मेरा साउंड बोल्ड के नाम से लव मेले अनिल चाचा के यहाँ पे आएंगे आप तो तब घूमने चलेंगे अपन रतनगढ़ पे मगर पूरा जंगल इलाका है पूरा तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ना तो यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है ऐसा क्यों यहाँ पे क्यों मतलब मतलब यहीं पे पत्थर मायने रखते 100 साल यार कसम से सही बता रहा हूँ मजा सा आ गया इधर अगर थोड़ा मौसम और होता ना तो और सुहाना हो जाता
और बाकी इधर नीचे की तरफ चलते हैं। और मैंने जैसे कि आपको बताया ये बिल्कुल पहाड़ों पहाड़ पे है, बिल्कुल पहाड़ पे, मतलब पत्थर ही पत्थर है ये देखो पूरे पे। और यहाँ से एक बार व्यू दिखाता हूँ आपको, हाँ जहाँ तक आप देखोगे ना वहाँ तक सिर्फ पेड़ और ऐसे ही है, मतलब छोटे छोटे पेड़ है और बाकी बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये यहाँ पे ये चीज़ क्या है, क्यों ये चीज़ क्या है, छोले के पत्ते, छोले के फूल है, छोले के पेड़ के, मतलब छोले उगते हैं इस पे? नहीं नहीं छोले का पेड़ है, पेड़ जो पत्तल वगैरह बनती है, शादी ब्याह में। अच्छा वो वाले पत्ते तो इसी से बनते हैं, वो पत्ते इसी से बनते हैं, छोले का कलर तो कुछ और होता है। नहीं पत्ते उधर सूख जाते हैं, पहले तो बनाते हैं आरे में, अच्छा सूख जाते हैं होता है। अच्छा अच्छा। और बाकी एक चीज़ है इसके ना, एक चीज़ आप देख सकते हो इसका जो पत्ता है ना, ये देखो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये वाले इसी के पत्ते हैं और जो कि ना इसी से शायद इसी के बेस पे बनते होंगे, देख रहे हो पत्तल की शेप है इसमें, है ना कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है ना कि पत्तल की शेप है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा पूरा, क्योंकि पत्तल भी ऐसे ही होता है ना। तो और आगे एक बार दिखाते हैं आपको, गाइस लुक एट दिस, तो देख रहे हो पूरे में यार यहाँ से वहाँ तक। और बाकी हम बाइक से निकल रहे हैं, तो देख रहे हो यहाँ एक चीज़ तो है ना, बंदा है ना बंदे की जात है कोई नहीं, यहाँ तो कुत्ता भी नहीं मिल रहा पहाड़ मिलते तो यार कुत्ता उत्ता कुछ भी नहीं है भाई, बंदा तो दूर की बात है, जानवर भी नहीं मिलता। अगर देख लो यहाँ चारों तरफ मैं 360 डिग्री घुमा रहा हूँ, देख लेना जब तक मजे लो सिनेमैटिक शॉट का। गिट्टी विट्टी है बड़ी वाली मोटी वाली, और इस तरफ से बड़े बड़े पत्थर है जो ये देख रहे हो, और यहाँ पे काम भी चल रहा मशीनों का, और वो बड़ी गिट्टी। हाँ अब मिले हैं जानवर अब से अब मिले हैं यहाँ पे। पत्थर कैसे टूटे जाते हैं, जो कि ये पहाड़ है और चारों तरफ देख रहे हो पहाड़ी पहाड़ है, तो यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ मैं पत्थर कैसे तोड़े जाते हैं, ये देखो। बस तो यहाँ देख रहे हो तीन फाड़ कर रखे हैं पूरे, मतलब इसी साइड पे से तीन कर रखे, एक दो तीन, और वो एक वो हो गया। मेहनत तो पूरे दिन हो जाती होगी तुम लोगों की ना। ऐसा अपन चलते हैं यहाँ से निकलते हैं फटाफट, और भी चीज़ दिखानी है क्योंकि यार गांव है, गांव खूब बड़ा है, और चलते बिना कोई देरी करें तो लेट्स गो। भाई आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, तो यहाँ पे कहते हैं कि बहुत तगड़ी खाद है, मतलब जैसे कि बहुत तगड़ा वाला और सबसे बड़ा गड्ढा है, तो उसको दिखाता हूँ मैं आपको। और बाकी देख रहे हो अभी मैं इसी पे चल रहा हूँ, और बाकी फटाफट से दिखाता हूँ मैं आपको। और देख रहा चारों तरफ पत्थर ही पत्थर रोडिया है, और ये देख रहे हो इस तरफ, ओ भाई साहब लुक एट दिस गाइस, ओ वाओ। तो यहाँ से देख रहे हो कितना छोटा छोटा, और ये देखो पहाड़ कितने बड़े हैं यार, ये बांध है, मतलब इस पे पानी आता है, पानी आता है ये बगल बगल झरना यार, मतलब तो यहाँ पे देख रहे हो, और वो हल्का सा पानी देख रहे हो वहाँ पे पानी है, वो लोग अगर तैरने वाले ही आते होंगे ज्यादातर को ना, तो
प्रोफेशनल बंदे ही आते होंगे जो तैरने वाले, खास तौर से बढ़िया बंदे होते होंगे वही आते होंगे तब, नहीं तो देख रहे हो आप कसम से। और मैंने है ना पूरा जूम कर रखा है। वेलकम बैक, और बाकी आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और बाकी आपने देख ही लिया है तो यार अगर मजा आए वीडियो पे तो यार सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना फटाफट से। तो मैं को टाइम दिखा देता हूँ, टाइम अब तो अभी गाइस 3:01 कम है। तो यार मेरे को भी काफ़ी नींद आ रही है क्योंकि टाइम सुबह का 3 बज रहे हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।